हे मेरे नवीन सादरा जिले के भाई बहन, अभी तक तो आपने अपने ढंग से स्वागत किया आज के अतिथियों का, एक बार अपने मनोज भैया के तरफ से स्वागत करिए। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए हमारी बहन स्मृति रानी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, और अभी अभी जो सुन रहे थे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी बैजेंद्र जय पांडा। और अगर मनोज त्यागी के लिए ताली नहीं बजाया तो क्या बजाया। हमारा जिलाध्यक्ष जिन्होंने आज के कार्यक्रम को ये रंग दिया है, और मंच में बैठे हुए प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, जिले के प्रभारी अनिल शर्मा जी, विधायक जितेंद्र महाजन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश जैन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रवेश शर्मा जी, पूर्व विधायक जगदीश प्रधान जी, पूर्व विधायक रंजीत कश्यप जी, प्रदेश के मंत्री किशन शर्मा जी, प्रदेश के पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष नीरज तिवारी जी, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अनीस अब्बासी जी, मेरे भाई जय भगवान गोयल जी, सभी जिला के उपाध्यक्ष महामंत्री मंत्री, सभी पार्षदगण, उपस्थित सभी मंडल अध्यक्षगण, हमारे पूर्व जिला पदाधिकारीगण, सभी पूर्व पार्षदगण, पूर्व मंडल अध्यक्षगण, और जो बूथ के अध्यक्ष बैठे हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करें। देखो हमारे बीच में कौन आया है। जब मैं उनको ला रहा था तो दीदी बोली कि यहाँ मंच पे पहुंचने में मेरा कचूमर निकाल दिया। तो भाई हम क्या करें, आपने ऐसे कर्म किए हैं स्मृति दीदी कि आपके लिए, आपको जनता देखने के लिए ललायित होती है, तो मनोज क्या करे, हम तो कुछ कर नहीं सकते। बैजन पांडा जी आए हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी आए हैं, और 3 बजे से ये सभा चल रही है। मेरे भाई बहन, अभी एक छोटा सा वीडियो भी आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा तो एक बार चला दो वीडियो। मनीष तिवारी, कांग्रेस के 7 साल के भ्रष्ट शासन से त्रस्त होकर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी सरकार ने देश की नागरिकों को नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वही उत्तर पूर्वी दिल्ली के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज तिवारी पर विश्वास जताया। मैं मनोज कुमार तिवारी, दिल्ली में विषम राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद भी सांसद मनोज तिवारी ने क्षेत्र में विकास की अविरल धारा को बहाया। सांसद बनते ही मनोज तिवारी ने सिग्नेचर ब्रिज के कार्यों को लेकर अधिकारियों से मीटिंग की। राष्ट्रपति शासन के दौरान 2014 में 61 करोड़ रुपए मंजूर कराकर 15 साल से रुकी हुई सिग्नेचर ब्रिज का काम प्रारंभ कराया, और अपने वादे के अनुसार 2018 में इसे जनता को समर्पित किया। लेकिन नियत में खोट वाले केजरीवाल को ये बात रास कहानी थी। दुनिया ने देखा किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा और सांसद मनोज तिवारी के क्रेडिट को चोरी करने का प्रयास किया। 285 करोड़ रुपए की लागत से हर्ष विहार विद्युत ट्रांसमिशन केंद्र की क्षमता को बढ़ाकर क्षेत्रवासियों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई। 277 करोड़ रुपए की लागत से गोकुलपुर विधानसभा में सीवर पाइपलाइन को डलवाया। 303 करोड़ रुपए की लागत से सीलमपुर शास्त्री पार्क फ्लाईओवर का निर्माण कराकर क्षेत्रवासियों को जाम से छुटकारा दिलवाया। इसके लिए उन्हें आमरण अनशन भी करना पड़ा। 4,467 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 709B का निर्माण कार्य जारी है, जिसके उपरांत उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाम देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो फेज 4 मौजपुर से मुकुंदपुर का काम भी जारी है।
संसदीय क्षेत्र में पहला केंद्रीय विद्यालय शाहदरा का भवन निर्माण लगभग पूर्ण है और खजूरी खास में केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी भी मिल चुकी है। बुराड़ी में भी प्रक्रिया जारी है। 36 करोड़ रुपए की लागत से यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम जारी है। 468 करोड़ रुपए की लागत से वजीराबाद रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है। 16 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगवाए। 20 करोड़ रुपए की लागत से शास्त्री पार्क, खजूरी खास, आदर्श गांव चौहान पट्टी, सभापुर की आंतरिक सड़कों का निर्माण कार्य करवाया। 6 करोड़ रुपए की लागत से लोनी रोड एवं शास्त्री पार्क में 2 समुदाय भवनों का निर्माण कार्य करवाया। 10 करोड़ रुपए की लागत से शास्त्री पार्क में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करवाया। संसदीय क्षेत्र के 400 स्थानों पर सेमी हाई मास लाइट और स्ट्रीट लाइट लगवाकर अंधेरे को दूर किया। मीतनगर सबोली रेलवे हॉल्ट का निर्माण करवाया और अब स्टेशन का सौंदर्यकरण जारी है। सांसद आदर्श ग्राम चौहान पट्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस टर्मिनल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार का निर्माण कार्य करवाया। पूरे संसदीय क्षेत्र में 35 ओपन जिम लगवाए। यमुना विहार में दिल्ली का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र खुलवाया। अधिकारियों को भी कहना पड़ा पहला मतलब पहला, और ये पहला ऑफिस है जहाँ पासपोर्ट की सेवा दिल्ली में प्रोवाइड किया गया। तो पहला यानी हमेशा पहला। अब जो भी दूसरा चाहे लोधी रोड में हो, चाहे भूल डाकाना पे हो, चाहे सेक्शन मार्ग पे हो, पहला नहीं होता। 80 लाख रुपए की लागत से 10 पार्कों में बच्चों के लिए मनोरंजन और प्रेरक झूले लगवाए। संसदीय क्षेत्र में 35,000 लोगों को मुद्रा लोन योजना के तहत 300 करोड़ का मुद्रा लोन दिलवाया। अमृत योजना के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से वेलकम पार्क में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी झील एवं उपवन का निर्माण कार्य करवाया। हरित पट्टी वजीराबाद मंडोली विस्तार लोनी रोड पर जगतपुरी विस्तार क्षेत्र में 10 नए पार्कों का निर्माण कार्य करवाया। 5 पार्कों में राष्ट्रीय ध्वज योगा सेंटर खुलवाया तो वहीं गोकलपुर पार्क का पुनर्निर्माण करवाया। लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी प्लांट लगाकर कॉलोनी से निकलने वाले गंदे पानी को शोधित कर झीलों को पुनर्जीवित करने का कार्य जारी है। 25,000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन भू माफियाओं से मुक्त कराई। जब दिल्ली सीलिंग की मार सह रही थी तो सीलिंग को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और व्यापारी भाइयों के पक्ष में जीत कर लौटे। तिमारपुर और बुराड़ी के संगम विहार और झड़ोदा के 10,000 परिवारों के लिए खुद वकील करके हाई कोर्ट गए। अगर कुछ याद आ रहा हो तो ताली बजा देना मेरे भाई। आज मैं इससे आगे आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरा अगला व्रत है सेवा धाम रोड का जाम हटाना। आज मैं आपसे यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सीनियर लोग उपस्थित हैं, मैं अपने अध्यक्ष जी से, अपनी स्मृति दीदी से और हमारे प्रभारी जी से मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे रोड नंबर 65 एक समस्या है, हमारे विधायक भी बैठे हैं, उसको दूर करने के लिए हमें अगला काम करना है। और ये अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट लोगों से अपेक्षा नहीं किया जा सकता, इसके लिए थोड़ा सा आपको सहयोग देना पड़ेगा, वरना ये अरविंद केजरीवाल नाम का प्राणी तो दिल्ली को लूट कर पूरे देश में भूख भूख करके जो कोशिश कर शराब बेचने के विशेषज्ञ बने हैं, शराब बेच करके लूटने के विशेषज्ञ बने हैं। हम भी पूछना चाहते हैं आपसे, आप बताइए क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए? आप अगर नहीं चाहते हैं तो हाथ उठाकर कहिए कि नहीं चाहते। आप बताइए क्या कोई भ्रष्ट व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री होना चाहिए? अभी पीछे जेल रोड है, जेल रोड से जो सड़क इस पे लाती थी वो बहुत पतली थी, उसको मैं चौड़ा करके जितनी जेल रोड चौड़ी है उसी उतना चौड़ा आपको सड़क से ला करके यहाँ जोड़ दूंगा। ये हमारा काम जारी है। ये बाई तरफ जो आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर, यहाँ से उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब आपको जिसको गगन सेवा की तरफ जाना है वो नीचे से जाएगा, जिसको ऊपर जाना है वो ऊपर से जाएगा। यहाँ भी आपके जाम को हटाने का काम करेंगे। और मेरे साथ इतना कर लीजिए मेरे भाई बहन, आज आए हैं, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। क्या चल रही है? विकसित भारत संकल्प, ये आपके गली गली में आ रही है। अभी भी हमारी बस खड़ी है,
जेल रोड पे, वो अगर आपके गली में आती है उसको रोकिए, आपकी बेटी है तो उसके लिए आप अकाउंट खोलिए, नरेंद्र मोदी जी पैसा दे रहे। आप बेघर है तो भले अरविंद केजरीवाल ने आपका घर रोका हो, लेकिन आप एक बार रजिस्ट्रेशन तो करा दो कि आप बेघर हो, आपको 2025 के बाद घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी से हम मनोज तिवारी, हमारी स्मृति बहन, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी। अगर आपको 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना नहीं मिल रहा है तो आपको दुख होता है कि नहीं होता है? अगर 2 लाख रुपया का आपका 3 लाख रुपया का मेडिकल बिल आ जाए तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है? उसको आप चाहते हैं कि नहीं? मोदी जी जो दे रहे हैं वो मिले आपको, चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए चाहते हैं। तो फिर अरविंद केजरीवाल जैसे रोकने वाले आदमी को सजा देना जरूरी है कि नहीं मेरे भाई बहन? 24 भी 25 भी मेरे दिल्ली के भाई बहन आप सब जग जाइए, नवीन शाहदरा जग गया है। आप सबसे इतनी प्रार्थना है मुझे, आगे की बातें हम नहीं करना चाहते हैं। हमें पता है आपको ठंडा भी लग रहा है, हमें पता है आप 3-3.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, और हमें पता है आप स्मृति बहन को सुनने के लिए बेकरार है। स्मृति दीदी वो है इस देश में एक व्यक्ति जिसने हमारे नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व पे एक कीचड़ उछाला, चौकीदार के लिए कुछ बोला तो स्मृति बहन ने ऐसा काम किया कि वो चौकीदारी करने लायक राहुल गांधी को नहीं छोड़ा। वो हमारी स्मृति बहन।